गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कोयला और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। कोयला, जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक खनिज है जो कि आध्यात्मिक खनिजों की श्रेणी में आता है और इसे हम भूगर्भ से खनन के द्वारा बाहर निकालते हैं। यह एक महत्वपूर्ण खनिज चालक शक्ति का प्रमुख साधन है और एक महत्वपूर्ण कच्चे माल का पदार्थ भी है। इससे अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो बनाई जाती हैं, जैसे कोक, तारकोल, नेप्थालिन, फिनाइल, बेंजोल, अमोनिया, कोल गैस आदि। ये महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो हम कोयले से कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते हैं। आधुनिक जो विज्ञान है और प्रावैधिकी ज्ञान टेक्नोलॉजी है, उसने इस कोयला और उससे जो विभिन्न प्रकार के जो उप उत्पाद हैं उसमें बहुत सारे आयामों को जोड़ा है, अर्थात उसे बहुत सारी वस्तुएं बनाने की प्रक्रियाएं संभव हो पाई हैं। जैसे विशेष रूप से कोयले से जो श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, श्रृंगार प्रसाधन है, उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं इससे तैयार की जाती हैं, जैसे लिपस्टिक है, सुगंधित तेल है आदि। इसके अलावा कोयले से नाइलोन, जो कि एक कृत्रिम धागा है, जो कि एक बहुत मजबूत होता है, कोमल भी होता है, उसका धागे तैयार किए जाते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, पैरासूट, कैमरा पेटी का, टूथब्रश, टाइपराइटर, रिबन, रबड़, पेटियाँ, कृत्रिम कस्तूरी, कृत्रिम कुनेन, बाइसिकल, लैम्प, बटन, पोमेड और ऐसा कागज़ तैयार किया जाता है जो जल में भीगने पर गलता नहीं, अर्थात जल सहन कागज। ये सभी वस्तुएं हम कोयले से तैयार करते हैं, जिनका हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें बड़ा ही महत्व है और ये सभी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा में क्या हैं, शामिल होती हैं। कोयला एक महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करने वाला साधन होने के साथ साथ इससे उपरोक्त विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इससे विभिन्न प्रकार की गैसें प्राप्त होती हैं, जिससे कई प्रकार के जो तत्व हैं वो तैयार किए जाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट से विस्फोटक और रासायनिक खाद बनाने के काम आता है। अब बात करते हैं कोयले की उत्पत्ति या कोयले का निर्माण। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयला भूगर्भ में दबा हुआ एक आध्यात्मिक खनिज है, जिससे जलने पर आग निकलती है या यूं कहें कि ऊष्मा मिलती है। तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों ने विस्तृत अध्ययन करने के बाद बताया कि ये जो कोयला है वो आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व भूमंडल पर इसका क्या होता है, आगाज होता है। आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी जो पृथ्वी है उसका अधिकांश जो भाग था, उसकी जो जलवायु थी वो किस प्रकार की थी, उष्ण आर्द्र प्रकार की थी। तो उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु में, जैसा कि आप जानते हैं कि जब वर्षा अधिक होती है और गर्मी भी पड़ती है, तो ऐसे में उन भूभागों में बड़े स्तर पर क्या होती है, वनस्पति का आगाज होता है, उत्पन्न होती है, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में सघन वन क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि कार्बोनिफेरस युग में ये पृथ्वी के ऊपर जो वन थे बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुए थे और उस समय भूमि पर वनस्पति का जो आवरण था वो विस्तृत भाग पर था और यूँ कह सकते हैं कि बड़े भाग पर वनों का क्या था, एक तरह से एकाधिकार था। ऐसे में भूगर्भिक हलचलों के कारण जो ये पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में उगे हुए थे वो टूट टूट कर जो नीचे जो जलीय भूमि थी या जिसे हम दलदल कह सकते हैं, उसमें निरंतर क्या हो रहे थे, जमा हो रहे थे। चूँकि हमारी पृथ्वी अभी भी अस्थिर थी और वो स्थिरता की ओर निरंतर क्या हो रही थी, अग्रसर हो रही थी, अर्थात वो स्थिर होने की कोशिश कर रही थी। इसी क्रिया में भूगर्भिक हलचलें भी निरंतर क्या हो रही थी, इस पृथ्वी के ऊपर घटित हो रही थी। तो इस प्रकार वनों के भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दबने से ये जो कोयला है उसका निर्माण हुआ है। जो वनस्पति है उसका जो बड़ा भाग है वो ज़मीन के अंदर नीचे दब जाता है और दबाव के कारण उस
के अंदर जो पानी होता है या यूं कहें कि वाष्प होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार उसके ऊपर निरंतर परतों का जमाव होने से और जो भूगर्भिक ताप है उसके कारण यानी कि ऊपरी दबाव और भूगर्भिक ताप के कारण जो कोयला है उसका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात उसका जो रूप है वो क्या होता है, चेंज होता है और वो कोयले के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे आज हम खानों से खनन के द्वारा क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं और उसे विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनमें क्या कर रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं। इसको एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। यदि हम एक लकड़ी का कोई बड़ा सा तना लें और उसको ज़मीन के अंदर 2-3 मीटर 5 मीटर नीचे दबा दें और उसको 2-3 वर्ष पश्चात देखते हैं, उस मिट्टी की परतों को हटाकर देखें, तो आप पाएंगे कि उस तने के ऊपर जो उसका एक तरह से जिस हम छिलका कहते हैं बाही परत होती है जिसको हटाया जा सकता है, वो इन 2-4 वर्षों में एक तरह से क्या हो जाती है, गल जाती है या यूं कहें कि उसका जो रूप है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो कोयले का निर्माण हुआ है भूगर्भ में वनस्पति के दबने से हुआ है, अर्थात उसके रासायनिक परिवर्तन से हुआ है। बात करते हैं कोयले के महत्व की। कोयले का महत्व एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। जैसे कोयला चालक शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। जब खनिज तेल की जब प्राप्ति नहीं हुई थी तो उससे पहले जो भाप का इंजन का आविष्कार हुआ था उसमें कोयले से भाप बनाई जाती थी और वो एक चालक शक्ति के रूप में क्या करता था, कार्य करता था। तो प्राचीन काल में महासागरों में जो आपके जलयान चला करते थे उनमें अधिकांशतः कोयले का उपयोग शक्ति के रूप में प्रयुक्त होता था, ऊर्जा के स्रोत के रूप में उसको प्रयुक्त किया जाता था, जिससे कि जो बड़े बड़े जलयान थे उनको पावर मिलती थी। इसके अलावा ये कच्चा पदार्थ भी है, इससे अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, जैसे कोक है, तारकोल है, नेप्थालिन है, फिनॉइल है, बेंजोल है, अमोनिया है, कोल गैस है आदि। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं जिनका हम निरंतर क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसके अलावा कोयले से जो भट्टियाँ हैं उनमें कोक तैयार की जाती है और जलाने पर जो गैसें निकलती हैं और उनसे बुझा हुआ कोक प्राप्त होता है उससे हम इस्पात को गलाने में क्या करते हैं, कार्य में काम में लेते हैं। कोयले को हाइड्रोजन से मिलाकर द्रव अवस्था में भी बदला जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो क्या की जाती हैं, तैयार की जाती हैं। इसके अलावा इससे जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री हैं उनका भी क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अनेक प्रकार की जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री हैं वो क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। प्लास्टिक है, पैरासूट है, कैमरा पेटिका है, टूथब्रश है, टाइपराइटर है, ऐसी अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो क्या की जाती हैं, इससे तैयार की जाती हैं। अब बात करते हैं कोयले के प्रकार की। कोयले के जो प्रकार हैं उसको हमने उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार, अर्थात उनकी जो ऊष्मा है या ताप क्षमता है उसके आधार पर उसको हमने 4 भागों में बांटा है, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिन्स कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला, इसे हम सर्वश्रेष्ठ कोयला मानते हैं। ये कठोर होता है और चमकीले काले रंग का होता है। इसमें आर्द्रता बहुत ही कम होती है और कार्बन की मात्रा 90% या उससे भी अधिक होती है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि जलते समय धुआं बहुत कम देता है या नहीं देता है और राख भी कम मात्रा में छोड़ता है। तो इस प्रकार अगर इसमें धुआं कम निकलता है तो कार्बन कम बाहर आ रहा है और ऐसा जो कोयला है वो घरों में खाना पकाने के लिए क्या माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। सर्दियों के दिनों में आपने सुना होगा कि घर में अंगीठी जलाने से परिवार के कई लोग क्या हुए, अचेत हुए, बेहोश हुए या दम घुटने से क्या हुई, मौत हुई। वो कारण क्या है कि जब हम लकड़ी या कच्चा कोयला उसमें जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन बहुत अधिक मात्रा में निकलता है और अगर बाहर निकलने का कोई सोर्स नहीं है तो कमरे के अंदर जो कार्बन है वो जम जाएगा और आपकी जो श्वास नलिका है वो उसमें क्या होता है, आकर जम जाता है, जिससे आपके दम घुटने से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो इसलिए खाना बनाने के लिए सबसे जो श्रेष्ठ कोयला है वो एंथ्रेसाइट कोयला माना जाता है। दूसरा है बिटुमिन्स।
यह मध्यम कोटि का एक कोयला है और लिग्नाइट की अपेक्षा इस और एंथ्रासाइट की तुलना में ये मध्यम प्रकार का है। काले रंग का होता है और लिग्नाइट से अधिक कठोर होता है, लेकिन एंथ्रासाइट से जो कम होता है। इसमें आर्द्रता की मात्रता कम होती है और कार्बन का अंश लिग्नाइट की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसमें कार्बन 60-80% तक होता है। विश्व में आधा जो कोयला है वो इसी प्रकार का है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, विश्व के अंदर जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, उसमें 90-99% जो कोयला है वो बिटुमिन्स ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि औद्योगिक जो कारखाने हैं जहाँ कोयले का उपयोग होता है वहाँ पर बिटुमिन्स कोयले की मांग रहती है। तो एक तरह से इसको हम औद्योगिक कोयला भी कह सकते हैं। इससे कोक बनाकर कारखानों में चालक शक्ति के रूप में क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ये जलते समय धुआं कम देता है और इसकी आंच क्या होती है, तेज होती है, लेकिन धुआं देता है एंथ्रासाइट की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा देता है। अब बात करते हैं लिग्नाइट कोयले की। लिग्नाइट कोयला कम आयु वाला है, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है वो अभी रिसेंट उत्तरार्ध में हुआ है, जो आपका कार्बनी फेरस युग है। इसी से यह लकड़ी से मिलता जुलता है, यानी कि हमारी जो गली हुई लकड़ी होती है, भूमि में दबी हुई गली लकड़ी, उससे मिलता जुलता है। ये कोयला निर्माण का पहला सोपान है, इसलिए इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत कम होता है और कार्बन की मात्रा लगभग 30-55% तक होती है। खोदे जाने के समय इसमें 20-30% तक नमी होती है। तो स्वाभाविक ही गीली लकड़ी आप जब जलाते हैं तो आप देखते हैं कि वो देर से जलती है या जलते समय क्या देती है, अधिक धुआं देता है, जबकि सूखी लकड़ी आपकी तुरंत जल जाती है और धुआं भी कम देती है। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि लिग्नाइट कोयले की जो गुणवत्ता है वो अन्य जो कोयले हैं बिटुमिन्स एंथ्रासाइट उनसे बहुत क्या है, कम है। इसलिए इसे जब बाहर निकालते हैं तो पहले इसको सुखाया जाता है और उसके बाद इसको क्या किया जाता है, प्रयोग में ले जाता है। यह जलते समय धुआं देता है और इसकी जो लौ है यानी कि आंच है वो भी अधिक तेज नहीं होती है। उठाने रखने यानी कि उधर उधर इसको जब हम रखते हैं या इसका संग्रहण करते हैं या खानों से निकालते हैं और खानों से जमीन इसकी जो हमारे एक स्थान दूसरे पर जो इसको गाड़ियों में डालते हैं तो ये टुकड़ों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है, यानी कि चूरा हो जाता है, जिससे इसका जो परिवहन है वो एक तरह से क्या होता है, असुविधाजनक रहता है। इसका उपयोग कृत्रिम पेट्रोल बनाने और ताप विद्युत बनाने में होता है, यानी कि हम जो हमारे ताप विद्युत गृह हैं, बिजली बनाने के जो हमारी इकाइयाँ हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। पीट कोयला ये सबसे कम आयु वाला कोयला है, जो लकड़ी की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा गला हुआ होता है और जलने पर बहुत अधिक धुआं देता है। इसका उपयोग अभी किसी भी रूप में नहीं हो रहा है, मुख्य रूप से घरेलू जो काम है उनमें इनका थोड़ा बहुत उपयोग शुरू हुआ है। अब बात करते हैं कोयला उत्खनन। विश्व में ऐसे अनेक प्रदेश हैं जहाँ कोयला पाया जाता है और कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी कोयले को हमने खोज नहीं की है, यानी कि वह कोयला है लेकिन हमने उसको अभी खोज नहीं पाए हैं और जो ज्ञात हो चुके हैं उनका भी हम शोषण ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। किसी क्षेत्र से कोयला प्राप्ति के जो प्रयास हैं या जो साधन हैं या बातें हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं और उसमें ये 5 बातें महत्वपूर्ण हैं कि हम किसी क्षेत्र से यदि कोयले का उत्खनन करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे लिए लाभकारी है अथवा नहीं है। सबसे पहला है स्थिति। जो कोयला क्षेत्र ऐसे स्थानों पर स्थित है जहाँ तक परिवहन की सुविधाएं सुलभ हैं वो उनका आसानी से क्या हो सकता है, दोहन हो सकता है। वहाँ आसानी से मशीन को ले जा सकते हैं और निकाले हुए कोयले को आसानी से क्या कर सकते हैं, ढो सकते हैं। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहाँ उन पर होने वाला जो खर्च है या व्यय है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ये अच्छे कोयले के क्षेत्र माने जाते हैं और भविष्य में एक विकसित भंडार के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोयला क्षेत्र हैं जो दुर्गम पर्वतीय भागों में स्थित हैं, वहाँ पर कोयले का हम दोहन आसानी से नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, अविकसित श्रेणी के अंतर्गत रह जाते हैं। कोयले का प्रकार, भंडार की विशाल। जिन कोयला क्षेत्रों में कोयले का भंडार विशाल होता है वो
उनका शोषण फायदेमंद होता है, अर्थात वहाँ से जो कोयला उत्खनन होता है वो बहुत अधिक लाभकारी होता है। उनसे प्राप्त कोयला जो प्राप्त करना होता है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि वहाँ थोड़े प्रयास से अधिक जो उत्पादन है उसकी संभावनाएँ रहती हैं। तो इस प्रकार जहाँ कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं वो क्षेत्र या वो देश इससे विभिन्न प्रकार के जो लाभ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, और इनका जो खनन है वो भी क्या होता है, आसान होता है। कोयले का प्रकार, जिन कोयला क्षेत्रों में उत्तम कोटि का कोयला होता है वहाँ इनका खनन करना बहुत लाभकारी हो सकता है, और यदि कोयला निम्न कोटि का है तो उसमें खुदाई में इतना अधिक व्यय हो जाएगा कि अगर आर्थिक दृष्टि से उनका जो शोषण है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, अवांछनीय हो जाएगा, क्योंकि उनकी लागत इतनी अधिक हो जाएगी कि हम यदि उस किसी को उसका विक्रय करते हैं तो उससे मिलने वाली जो आय है वो हमारी जो खनन में लगी आय है उससे क्या होती है, कम होती है। ऐसे में वो जो खनन क्षेत्र है या वो कोयला है जिसका हम खनन कर रहे हैं वो एक घाटे का सौदा हो सकता है। तो ऐसी दशा में हमें स्थानीय कोयला क्षेत्र के शोषण की अपेक्षा विदेशी जो कोयला है उसका जो आयात है करना उचित रहता है, क्योंकि हमने अगर हम निम्न कोटि का कोयला उसको खनन कर रहे हैं तो उससे हमें हमारी जो मैन पावर है, हमारा जो पूंजी है, हमारी जो मशीनें हैं उन पर हमें बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा, और हम इन प्रयासों से बचते हुए हम विदेशों से अच्छी प्रकार कोटि किस्म का जो कोयला है उसको क्या कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। बात करते हैं कोयला परतों की मोटाई। जिस क्षेत्र में कोयला परतें पतली होती हैं उसमें खनन कार्य असुविधाजनक रहता है, क्योंकि जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो अवसाद हैं यानी कि चट्टानों के टुकड़े हैं, मिट्टी आदि उसमें क्या होती है, मिलकर आती है। ऐसे में उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो श्रेष्ठता है वो क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। जबकि मोटी परत वाली जो खदानें हैं वहाँ पर आसानी से क्या होता है, जो खनन है कोयले का वो किया जा सकता है, वहाँ पर हम एक साथ बड़ी मात्रा में कोयले को निकाल सकते हैं और उसका परिवहन भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, उसको आसानी से एकत्रित भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई कोयला खदान की मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 2 मीटर मोटाई वाली जो खदानें हैं वो खनन की दृष्टि से क्या मानी जाती हैं, अच्छी मानी जाती हैं। ऐसी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर कई मीटर मोटी जो कोयले की परतें हैं जो एक मेखलाओं के रूप में पाई जाती हैं, तो वो जो क्षेत्र है या वो मेखलाएँ हैं वो खनन की दृष्टि से बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी जाती हैं, और वो उस खनन से बहुत अधिक मात्रा में हमें क्या होता है, लाभ होता है कोयले का। ऐसे में जो उनका मूल्य है वो अधिक होने के कारण उनसे कोयला प्राप्त करना जो आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनसे कम खर्च में अधिक मात्रा में कोयला मिलता है जिससे वो लाभकारी होते हैं, जबकि जहाँ पतली परतें पाई जाती हैं वो एक हानिकारक होती हैं।